गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। खुद आई है, खुद बोल कहीं परीक्षा उतर है परीक्षा दिलावे परीक्षा भले खा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। संदीप सिंह जी जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। 10.5 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज ही नहीं है सर। आवाज ही नहीं आ रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है आपको सर। आवाज नहीं आ रहा है सर।
आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रहा है सर, मेरे पास आ रहा है। कहाँ आ रहा है सर? बोल रहे नहीं आ रहा है। आ जाएगा। नहीं आ रहा है। ट्रैफिक मसला है यार। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नेट प्रॉब्लम सर को सुनाई नहीं दे रहा है। मशीन से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपके हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम है? फोन में कुछ प्रॉब्लम है या तो डिस्कनेक्ट हो गया है कंप्यूटर से। सर साउंड इज नॉट कमिंग सर। बेस बढ़ाइए सर। तो हो जाएगा ना। ओके सर। चलो ठीक से देख के फिर तो कटर को मारन को पता चलो सर। मैसेज पता अरे कर डिजिटल हो ये तो मैं पड़ता था पूरा ही जाना पड़ता था सर। सर आवाज ही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ रहा है। अभी कौन बोल रहा है? बनाइए बनाइए। हम ले शिवान सर आ रहे हैं बना देंगे। रुक जाइए सर वन मिनट। ये सर आ रहे हैं। भाई आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है भाई। फोन करो सर पे। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो यस सर। यस सर आ रही है आवाज। यस सर यस सर आ रही है। यहां से भी इंडिकेट कर रहा है कि आ रही है आवाज ग्रीन से चल रहा है। ठीक है चलो बेटा देखो yes. इक्वल टू कितना 60 डिग्री 60 डिग्री प्लस 30। शुरू से बताइए सर। ठीक है एंगल एओसी इक्वल टू 90 डिग्री तो सेंटर एंगल एओसी इतना हो गया था एंगल ए देयरफॉर एंगल एडीसी इक्वल टू कितना होगा हाफ हाफ एंगल एओसी और एंगल एडीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ इनटू एओसी कितना है 90 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल एडीसी इक्वल टू 45 डिग्री। दिस इज योर आंसर 45 डिग्री। सेंटर पे कितना एंगल बना है 30 + 60 इक्वल टू 90 हो जाएगा। यहाँ 90 तो यहाँ कितना होगा 40 होगा। 7.4 नहीं होगा सर। एक्सरसाइज 7.4 सेकंड देखो सेकंड क्या है टू नहीं कहा जाता है सेकंड क्या है पूरा कराइए सर। ये समझ में आ गया रुकिए सर लिख रहे हो चलो लिखो डाउन क्लिक ले जल्दी लिखो
दूसरा बता दीजिए 10.3 सेकंड देखो यस सर दूसरा वाला हाँ सेकंड बता रहे हैं यस सर लिख लो जल्दी तो बताओ हो गया सर हो गया लिख लिया ठीक है हो गया सेकंड सेकंड देखो सेकंड क्या है सेकंड में ए कार्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए सर्किल है ना फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कार्ड एट ए पॉइंट ऑन द माइनर आर एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑन द मेजर आर माइनर और मेजर आर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्या है ए कार्ड ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस सर्किल का कार्ड क्या है रेडियस के बराबर है कोई कार्ड दिया गया है वो किसके बराबर है रेडियस के बराबर देखो ये सर्किल है दिस इज द सर्किल इसमें एक कार्ड है दिस इज द कार्ड इसका नाम है ए बी ए बी इज द कार्ड जो रेडियस के बराबर है किसके बराबर आर रेडियस के बराबर है सेंटर होगा बेटा सेंटर और ऊपर लिख दें इसको और ऊपर थोड़ा बना दो यहाँ पे बना दो ये बना ठीक है ए बी ठीक है दिस इज द सेंटर सेंटर से आर को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं रेडियस ये हुआ कितना बोलो ये आर हुआ सेंटर से आर को मिलाने वाली लाइन रेडियस सेंटर से आर को मिलाने रेडियस रेडियस तो सभी साइड तो रेडियस हो गए तो सभी साइड इक्वल हो गए रेडियस है ना तो एंगल बाइन करना है मेजर आर्क में और माइनर आर्क में एंगल मेजर और माइनर आर्क में फाइंड करना मेजर और माइनर ए बी ए सी मान लो दिस इज डी डी सर मेजर और माइनर कहाँ बन रहा है मेजर बन नहीं रहा है मेजर कार्ड है सर्किल है देखो बेटा ये सर्किल है इस कार्ड द्वारा बना जाए तो कौन सा होगा ये मेजर आर्क होगा बड़ा वाला आर्क है ना बड़े वाले आर्क क्या कहते हैं मेजर आर्क और छोटे वाले को क्या कहते हैं माइनर ये छोटा है ना ये छोटा है तो माइनर आर ये मेजर आर ये मेजर आर के मेजर आर्क में ये एंगल और माइनर आर्क में ये एंगल फाइंड करना है तुम जानते हो बेटा ये ट्रायंगल हो गया OA इक्वल टू कितना हो जाएगा OA इक्वल टू आर एंड OB इक्वल टू आल्सो आर देयरफॉर क्या हो जाएगा AB इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगा ना है ना हैंस हैंस ए ओ बी इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया ना इक्विलैटरल पूरा लिख दूं इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल ट्रायंगल देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री सब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 60 डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा जब ये 60 हो गया तो कितना हो जाएगा बेटा तो बोलो एंगल ए ओ ए सी 30 सर ए सी बी इक्वल टू 1/2 एंगल ए ओ बी इक्वल टू 1/2 इंटू 60 एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा अब मेजर आर्क में देख लो मेजर आर्क में कितना होगा मेजर आर्क में क्या होगा माइनर आर्क में ना सर मेजर आर्क में कितना हुआ 30 डिग्री हुआ
मेजर आर्क में कितना हुआ 30 डिग्री और माइनर आर्क में दूसरा माइनर आर्क में पूछा है ना क्या पूछा है इन माइनर माइनर आर्क तो एंगल ए डी बी इक्वल टू कितना पहले ये देख लो रिफ्लेक्स एंगल रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 दिख नहीं रहा है नहीं दिख रहा है दिख नहीं रहा है बेटा दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना होगा बोलो लिख दो या फिर से एंगल ए ओ बी रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा 360 कितना हो जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो नहीं दिख रहा है 300 डिग्री नहीं दिख रहा है काहे नहीं दिख रहा है नो सर नहीं दिख रहा है अब दिख रहा है करिया हो गया अब हो गया अब दिख रहा है 300 डिग्री हो जाएगा ठीक तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 300 डिग्री 300 तो सेंटर पे 300 तो आर्क पे कितना होगा बोलो सर अब उस साइड का नहीं दिख रहा है आर्क पे कितना होगा 150 हाँ तो हो जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल टू 1/2 रिफ्लेक्स 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 एंगल ए ओ बी है ना एंगल ए डी बी इक्वल टू 1/2 कितना होगा 300 डिग्री एंगल ए डी बी बी इक्वल टू 150 टू से कैंसिल हो जाएगा कितना हो जाएगा 150 द फर्स्ट आंसर And this is the second answer. Second answer. First and second answer. First and? पूछो और कुछ पूछना चाहते हो जो? Reflect सर इसमें ABCD तो cyclic coordinator में अगर था। हाँ तो उससे भी हो जाएगा। उससे भी हो जाएगा ना? उससे भी हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। Cyclic है। तो दोनों का सम कितना होगा 180 होगा यदि ये 30 हुआ तो 150 हो जाएगा क्योंकि साइक्लिक है साइकिल में होता है ना चलो एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड बोलो थर्ड एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड बोलो फोर्थ हेलो कौन सा थर्ड देखो थर्ड इसको इरेज कर देना इरेज कर दे बोलते क्यों नहीं हो या सर इरेज कर दे यस सर इरेज कर दे उसके बाद लिखना ना हुआ हो तो बोलो मत मेरे लिखने का पर्पज ही क्या हुआ कि जब तुम नोट नहीं किए नोट नहीं करोगे तो लिखना सब बेकार है इसलिए तुम लोग थर्ड नंबर थर्ड देखो बेटा लिख लियो तो अच्छी बात है जब समझाता हूँ तो लिखो मत जब समझाता हूँ तो लिखो मत है ना समझ लो उसके बाद लिखो नहीं खाली नोट ही करो कॉपी में या कोई फायदा नहीं क्या हो गया तुमको बीमारी हो गई क्या देखो चलो देखो ये कितना नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन इस सर्किल है बेटा दिस इज द सर्किल सर्किल में क्या है कह रहा है कि सर्किल में एक कार्ड है जिसका नाम है पीआर पीआर कार्ड का क्या नाम है पीआर ही है ना पीआर क्यू पीआर कार्ड है दिस इज द पीआर कार्ड पीआर दिस इज द क्यू ए क्यू है पॉइंट This is the Q. यहाँ पे सेंटर है इसका दिस इज द सेंटर सेंटर है बेटा तो ये नहीं समझ लेना कि कार्ड है मतलब डायमीटर दिया हुआ है पी क्यू इज कार्ड क्या लिखा है पी क्यू वेयर पी क्यू आर द पॉइंट ऑन द सर्किल विद सेंटर ओ
इसका सेंटर ओ पे है, दिस इज द सेंटर ओ, सेंटर ओ है ठीक। तो सेंटर से आर, सेंटर से आर को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं बोलो? रेडियस कहते हैं। ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, रेडियस हुआ ना, दिस इज रेडियस, ये रेडियस हुआ, ये भी क्या हुआ? रेडियस, 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 दिस इज द रेडियस ठीक। ये रेडियस हुआ, ये क्या हुआ? आर्क हुआ, आर्क 100 डिग्री है, ये क्या हुआ? इसको आर्क कहते हैं ठीक। अब क्या दिया हुआ है इसमें? एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 100 100 हो गया ना बेटा, 100 हो गया ठीक। वेयर पी क्यू आर आर द पॉइंट ऑन द सर्किल वेयर सेंटर इज ओ, फाइंड एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू, फाइंड एंगल, फाइंड, फाइंड एंगल, फाइंड ओ पी आर फाइंड करना था सर, फाइंड एंगल ओ पी आर है, आर है ना बेटा, आर है सर, आर ही है, ओ पी आर, ओ पी आर फाइंड करना है, ओ पी आर। चलो फाइंड किया जाए, फाइंड किया जाए, दिस इज इक्वल टू क्वेश्चन, फाइंड करो इसको, हाउ टू फाइंड इट, कैसे फाइंड किया जाएगा? देखो बेटा, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स एंगल पी क्यू आर, क्योंकि सेंटर पे जो बनेगा, ये सेंटर पे बनेगा बेटा, ये सेंटर पे बनेगा ना, ये दूना होता है, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। एंगल पी ओ आर रिफ्लेक्स एंगल, लिख लो रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, ठीक नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्स एंगल दिख नहीं रहा सर, अब दिख रहा होगा, एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 × 100 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? दिस इज 100 डिग्री, 100 है बेटा, 100 डिग्री, 100 डिग्री, तो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा? ये 100 डिग्री है, 100 डिग्री, 100 डिग्री इक्वल टू 100 है, 100 दिख रहा है, कितना हो जाएगा? 200 डिग्री, 200 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल, केवल एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा? पी ओ आर कितना हो जाएगा? 360 कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 200 डिग्री, एंगल पी ओ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160 डिग्री, ठीक है बेटा, यू आर 160 हो गया, दिस इज इक्वल टू 160। अब कौन सा एंगल? ये आयन पी ओ इक्वल, विजिबल है ना बेटा, ओ पी इक्वल टू इन ट्राइंगल, लिख लो इन ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ आर में क्या है? ओ पी इक्वल टू ओ आर, क्या है? रेडियस, रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ एस सी मतलब सेम सर्किल, एस सी मतलब भड़क मत जाना, एस सी मतलब सेम सर्किल, सेम सर्किल का रेडियस, एस फॉर सेम, सी फॉर सर्किल, सेम सर्किल ठीक है। ये एंगल, ये एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा, दिस इज एंगल वन, एंगल वन इक्वल टू एंगल वन है, एंगल वन, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू होगा ठीक। यस सर, इसको यहां से लिखा जाए ठीक है, वन इक्वल टू टू लिख लो यहाँ पे, विजिबल है ना बेटा ठीक है। यस सर, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल टू एक्स से,
ओनली फॉर से इसका नाम वन रखना। 200 कहाँ से आया है? 200 कहाँ से आया बेटा? यहाँ पे 100 है तो सेंटर पे कितना बनेगा? दूना बनेगा ना, टू टाइम्स बनता है कि नहीं? आर्क पे जितना एंगल बना सेंटर पे कितना बनेगा बोलो? आर्क पे जितना एंगल बनता है सेंटर पे क्या बनेगा? हाफ बनेगा। सेंटर पे हाफ, सेंटर पे दूना बनता है, टू टाइम्स होता है। आर्क पे 100 तो यहाँ पे 200, तो ये 200 हो गया तो 160 है हो गया। दोनों मिलाओगे तो 360, टोटल मिला के 360 हो जाएगा। एंगल वन एंगल टू के इक्वल कैसे है? समझ में आ गया? एक बार शुरू समझा दे। हेलो, फोन आ गया। बोलो बेटा, देखो ये है वन इक्वल टू टू, वन इक्वल टू टू एक्स हुआ। दिस इज ओनली फॉर से कहने के लिए मान लिया गया, ठीक है? वन इक्वल टू टू इक्वल टू एक्स ऐसे हुआ बेटा। देखो यहाँ पे 100 दिया है तो सेंटर पे कितना होगा? समझ लो, पूरा समझा रहा हूँ। यदि आर्क पे 100 तो सेंटर पे दूना होता है ना, नीचे होता है। ये नहीं कि यहाँ होगा, यहाँ नहीं, ये सेंटर नहीं है। यहाँ जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो इसका हाफ होगा, यहाँ वाला इसका, इसका हाफ यहाँ पे, इसका हाफ यहाँ पे बने। जो एंगल यहाँ पे मान लो एंगल बनता तो ये किसका, इसका हाफ होता है, ये 80 डिग्री होता है। यहाँ एंगल बने, नीचे का देखा जाता है, इसके नीचे का यहाँ 160, तो यहाँ पे कितना बनेगा? 80। यहाँ पे 200 तो 100, अब मान लो यहाँ पे 100 बना तो यहाँ पे 200। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? सेंटर पे टू टाइम्स होता है, दूना होता है ना। सेंटर पे क्या होता है? टू टाइम्स होता है, दूना होता है, ट्वाइस होता है, ठीक है? ट्वाइस होता है। यहाँ पे 100 बनाते हैं, यहाँ पे 200 बना। जब ये 200 हुआ तो टोटल 360 होता है, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 360 में से 200 को। यही किया है, 360 में से 200 सब्ट्रैक्ट किया तो 160। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड 3 लेस देन 360, वो कहलाता है रिफ्लेक्स। तो 180 से ग्रेटर ही है, 100 हुआ तो यहाँ पे 200, तो 200 हुआ तो कितना हुआ? 160, क्योंकि टोटल 360 होता है, तो 360 में से 200 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 160 हुआ। अब इस ट्रायंगल में देखा, इन ट्रायंगल POR एंगल OP इक्वल टू OR, दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल, S फॉर सेम, C फॉर सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल 1 इक्वल टू 2, ये 1 इक्वल टू 2x हुआ, ठीक। अब क्या है दूसरा? दूसरा क्या है बोलो? इस ट्रायंगल में देखा जाए, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल POR, POR में क्या देखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POR इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। POR इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? POR इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है? दिस इज इक्वल टू 180। समझ में आ रहा है? चलो मजबूत होगा। वन कितना माने है? एक्स। और टू को भी कितना माने है? एक्स। एक्स प्लस एक्स प्लस एंगल POR कितना है? 160 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री, ठीक है? ये 2x हो जाएगा, या 2x प्लस 180 इक्वल टू 160 डिग्री इक्वल टू है, या 2x इक्वल टू 160 है बेटा, दिस इज 180 है, 160 है। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, 2x इक्वल टू 20 डिग्री, x इक्वल टू 10 डिग्री, x इक्वल टू 10 डिग्री। x किसका वैल्यू है? एंगल 1 है, एंगल 1 इक्वल टू 10 डिग्री। या इस एंगल का नाम, 1 का क्या नाम है? OPR। एंगल 1 का क्या नाम है? एंगल OPR।
एक्स किसको माने, एक्स इक्वल टू वन आर टू, एंगल वन या टू को क्या माने, एक्स वन और टू दोनों आपस में इक्वल है, इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है, इक्वल दोनों साइड है तो एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वन इक्वल टू टू किसके इक्वल है, तुम्हारे या हमारे या किसके इक्वल है, मान लिया कि एक्स के इक्वल है, किसके इक्वल, एक्स के इक्वल, तो एक्स हो गया। तो इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ पी आर एंगल वन प्लस टू प्लस वन सिक्सटी इक्वल टू वन एटी डिग्री, तो टू एक्स प्लस वन सिक्सटी इक्वल टू वन एटी डिग्री, या टू एक्स इक्वल टू वन एटी माइनस सिक्सटी, प्लस है इधर आया तो माइनस होगा, या टू एक्स इक्वल टू ट्वेंटी डिग्री, या एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू लिख दो, एक्स इक्वल टू ट्वेंटी अपॉन टू इक्वल टू टेन डिग्री। वन एक्स किसको माना गया है, वन आर टू को माना गया है, तो हमें वन की जरूरत है क्योंकि ओ पी आर फाइंड करना है। वन को क्या कहेंगे, एंगल ओ पी आर, वन को क्या कहेंगे, एंगल ओ पी आर इक्वल टू टेन डिग्री, इक्वल टू टेन डिग्री, टेन डिग्री है ना, इसी जो आंसर है, इसी जो आंसर होगा। ठीक है बेटा, और कोई पूछना है, आंसर यहाँ लिख दूँ, विजिबल नहीं है सर, इरेज मत करिएगा सर, नहीं इरेज करेंगे बेटा, जल्दी लिख सर, फोर्थ वाला सर, फोर्थ, ठीक है बेटा, फोर्थ भी बता रहा हूँ, फोर्थ अभी बता रहा हूँ, फोर्थ क्या है, पूछ लो, होमवर्क में क्या रहेगा जानते हो तुम लोग, होमवर्क में क्या रहेगा, होमवर्क में सारे एक्सरसाइज करने हैं, 10.4 छोड़ दो, 10.5 करो पहले, 10.5 के सभी क्वेश्चन, सारे थ्योरम याद होने चाहिए सबको, सारे थ्योरम का मीनिंग क्या होता है पूछ लो हमसे अभी या कल, जब इच्छा हो पूछ लो, ये नहीं कि तुम लोग थ्योरम पढ़ो ही नहीं, आज कुछ क्वेश्चन भेजूंगा तुम लोग को, है ना, आज क्वेश्चन भेजूंगा तुम लोगों को कुछ, ठीक है, सॉल्व करके आपके पास फिर भेजना है, नहीं तुमको नहीं आएगा तो उसको पूछोगे, होम असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट दिया था तो क्लास में तो बता दिया, अब होम असाइनमेंट दूंगा, तीन था क्लास असाइनमेंट, तीन होम असाइनमेंट दूंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि सर्किल तुम लोग जो थ्योरम को समझ लिया है वही, देखो तुमको नहीं आता है थ्योरम बेटा, तुम जितनी बार पूछोगे मैं बताऊंगा, है ना, लेकिन समझो, समझने का कोशिश करो, ये नहीं कि कोशिश करो ही ना समझने का, तो बैठ जाओ सेठ के पास और पढ़ाई ना करो, पढ़ाई करो, उसको पूछो, जहां नहीं आता है वहां पूछो कि सर हमको ये नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है, यहाँ ये दिक्कत हो रही है, उसको बताओ, तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैं हूँ, जहां भी नहीं आएगा मैं बताऊंगा, एक बार नहीं जितनी बार पूछोगे, लेकिन ये मीनिंग नहीं कि मैं हर बार बताऊं तुम समझने का कोशिश ही ना करो, इफ यू ट्राई बेस्ट देन यू विल श्योरली सक्सेस, अच्छी तरह से मेहनत करोगे तभी जाके सक्सेस होगे। चलो हो गया, इरेज कर दे, बोलो जल्दी, यस सर, चलो क्वेश्चन नंबर फोर, एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, सर्किल है बेटा, सर्किल है ना, फोर में क्या कह रहा है, ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू, फिर ए बी सी बना दो बेटा, इसी डायमीटर है बेटा, डायमीटर नहीं है, डायमीटर नहीं है बेटा, ऐसे
डायमीटर नहीं है ऑर्डर सर हाँ ये ए है ये बी है ये सी है ए है इसका नाम क्या है डी है डी है ठीक बेटा दिया हुआ है एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री दिस इज इक्वल टू 69 डिग्री ठीक है 69 डिग्री एंड ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री तो इन ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा फाइंड क्या करना है फाइंड एंगल ए डी सी इक्वल टू क्वेश्चन ए डी सी इक्वल टू क्वेश्चन ए डी सी क्या होगा बी डी सी और है एंगल ए बी सी रहेगा ये ए बी सी में क्या होगा ए बी सी में 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री कितना हो गया ये हुआ 100 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री एंगल ए इक्वल टू थोड़ा इधर करिए दिख नहीं रहा है सर ये इधर लेफ्ट साइड वाला इक्वल टू 80 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री ठीक है दिख रहा होगा बेटा दिख रहा है ना हाँ सर दिख रहा है यस सर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी Therefore, angle BD BD equal to 80 degree equal to angle 280 degree equal to 80 degree क्यों होगा angle in the same segment are equal angle in the same segment are equal in the same segment are equal in the same segment are equal same segment are equal same segment angle क्या होते हैं equal होते हैं angle BD देखो जल्दी करिए सर time over होने